आइए आपको सीधा ले चलते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। के पास आया हूं, ये जो बेहतरीन वातावरण वहां पे बना है, इसीलिए अपने मित्र नवीन जिंदल के लिए मैं आज आया हूं विशेष रूप से, क्योंकि संसद में मैंने उनके कार्य को देखा है, उनकी कार्य पद्धति को मैंने देखा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से नारा लगाती रही है, एक देश में एक प्रधान, एक निशान और एक विधान चलेगा। मैं ब्रह्म सरोवर में देख रहा था, हमारा तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन ये तिरंगा अब अपनी जेब में भी शान से लगा सके और अपने घर के ऊपर भी लगा सके, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ही नवीन जिंदल लड़े थे, इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। मुझे याद है संसद सांसद बनने के पहले सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़े थे, इन्होंने कहा था भारत के आन मान शान के प्रतीक इस चिन्ह को, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को, इसको हमें लगाने का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हम गर्व से कह सके हम भारतीय हैं। ये हम एहसास होना चाहिए कि हमारा राजकीय चिन्ह है, हम इसके लिए लड़ेंगे। और इसके लिए इन्होंने उस समय जो लड़ाई लड़ी थी वो अभिनंदनीय थी, और उस लड़ाई का परिणाम क्या रहा कि आपने देखा होगा कि जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, बहनों और भाइयों, हम लोगों ने देश की आजादी का उत्सव तो नहीं देखा, लेकिन जब 75 वर्ष की यात्रा हमारी स्वतंत्रता के हो रहे थे, तब मोदी जी ने वही तिरंगा हर घर में पहनाने का काम किया था। लेकिन लड़ाई की शुरुआत श्री नवीन जिंदल जी ने 2004 में कर दी थी, और विजय श्री प्राप्त करके पूरे भारतीयों से कहा था कि अपना तिरंगा अपने जेब में लगाओ और अपने घर के ऊपर लहराओ, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य जहां पर इन लड़ाइयों को लड़ने की बात होती है, वही अन्नदाता किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी हो, एमएसपी किसान को मिले, इन सभी मुद्दों को लेकर के अपना प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में प्रस्तुत करने वाले पहले सांसद थे। और यही नहीं बहनों और भाइयों, आधुनिक खेती के तरीके कैसे होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर कैसे होने चाहिए, एक उद्यमी को, एक उद्योगपति को अपनी चैरिटी का पैसा कैसे गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए कैसे खर्च करना चाहिए, बेटी के स्किल डेवलपमेंट में कैसे खर्च करना चाहिए। लाखों लोगों को जीवन दान उन्होंने दिया है, लाखों लोगों की आंखों की रोशनी उनको रोशनी उन्होंने दी है। यह कार्य वे तब किए हैं जब यहां पे या तो सांसद थे या सांसद नहीं थे, तब भी लगातार रहे हो न रहे हो कोई फर्क नहीं, कुरुक्षेत्र अपना है और अपना घर मान करके, अपने लोगों को मान करके उन्होंने भी, जैसे मोदी जी ने पूरे 140 करोड़ लोगों की सेवा की, वैसे ही पूरे कुरुक्षेत्र की सेवा के लिए निरंतर यह परिवार आज से नहीं कई पीढ़ियों से लगा हुआ है। और मुझे याद है जब अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान हम लोगों ने सभी दलों को आमंत्रण दिया, सबको मिला था कि भाई आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, तमाम दलों ने बहिष्कार किया। लेकिन मैं नवीन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, रामलला का मंदिर है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी में बाद में हूं, पहले मैं सनातनी हिंदू हूं और अपने सनातन धर्म के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और बहनों और भाइयों, वे अयोध्या गए, अयोध्या में उन्होंने दर्शन किया, रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया, काशी को सजाने के लिए, बाबा विश्वनाथ के धाम को सजाने के लिए भी यह परिवार वहां के सुंदरीकरण में योगदान दे रहा है, वहां के घाटों के सुंदरीकरण के नाम पर। अब मुझे बताओ, जिंदल परिवार के नाम पर कोई कार्य होगा, कहीं भी चैरिटी का काम होगा, तो नाम तो कुरुक्षेत्र का ही उसमें जुड़ जाएगा, स्वयं जुड़ जाएगा, लाभ तो आपको स्वयं ही हो जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास विशेष रूप से आया हूं,